दोस्तों ये फल है टैमारिलो और ये एक विदेशी फल है जो कि टमाटर और शायद बैंगन से क्रॉस है और ये हमें मिला है। इसको हम ग्रो करेंगे, देखते हैं कैसे ग्रो होता है और हो पाएगा कि नहीं। इसे अभी काटेंगे और इससे सीड निकालने की कोशिश करेंगे और उन सीड्स से हम प्लांट उगाने की कोशिश करेंगे भविष्य में। हमें उम्मीद है कि हम इससे काफ़ी अच्छे पौधे उगा पाएंगे और फल उत्पादन कर पाएंगे। तो दोस्तों हम इसका बीज निकालने के लिए दो प्रोसेस हैं, एक तो सीधा गूदे से बीज निकालकर सुखा लिए जाएं और दूसरा यह है कि इसकी स्लाइस नाइफ से स्लाइस काट दी जाएं और स्लाइस काट कर पेपर पे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर रख कर और कुछ समय के लिए रख दिया जाए छांव में, और जब सूख जाए वो स्लाइस सूख जाए तो बीजों को कलेक्ट कर कर हम किसी गमले में ग्रो कर सकते हैं, पॉट ट्रे में ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर फल है और इसको अब हम काट कर स्लाइस काट कर देखते हैं। देखिए दोस्तों काले बीज हैं, दोस्तों आप देख पाओगे। ये हमने स्लाइस काटी है और ये देखिए दोस्तों कुछ अलग ही बीज हैं, मोटे हैं, टमाटर से मोटे बीज हैं। ये टमाटर की फैमिली का पौधा है, टमाटर बैंगन की फैमिली का, पर ये अलग है। इसकी खेती बाहर विदेशों में काफ़ी होती है। ये दूसरी स्लाइस हमने काटी है, खुशबू बड़ी ही अच्छी है, लाजवाब। ये देखिए दोस्तों हमने कितने सारे स्लाइस जो हैं छोटे से फल से कर लिए हैं, ज़्यादा बारीक करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा मोटा रखें, थिक रखें, जिससे कि ज़्यादा बीज एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये हमने पूरे फल को काट दिया, खुशबू बड़ी ही लाजवाब है और इसमें जो मेनली स्लाइस हैं वो 7 स्लाइस जो हैं वो देख पाओगे कि कितनी अच्छी स्लाइस हैं, 7 स्लाइस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 2 बेकार हैं, कोई इनमें कोई सीड नहीं है, इनमें कोई सीड नहीं है, इनको हम निकाल देंगे और ये स्लाइस हम इनको सुखाने के लिए रख देंगे। गिलहरी से चूहे से संभाल के रखना है ताकि गिलहरी या चूहा इसको काट ना जाए। तो दोस्तों अब जब ये सूख जाएंगी तो हम आपको इनको उगा कर दिखाएंगे कि पौधा कैसा होता है और आगे भविष्य में इसके क्या रिजल्ट हैं।